বন্দি বাবু भाइयों और बहनों, लापतागंज में शुद्धता की खोज करने के लिए और अशुद्धता को दूर करने के लिए मुकुंदी लाल गुप्ता आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। देखिए मुकुंदी बाबू कितना बेचैन है, कह रहे हैं ये आमरण अनशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि नेताजी खुद आके अशुद्धता को दूर करने के लिए आश्वासन नहीं देते और अपने हाथों से जब तक मुकुंदी बाबू को जूस नहीं पिलाते तब तक ये आमरण अनशन खत्म नहीं होगा। हे जूस पिलाएंगे ना? अरे कभी कभी पिलाते हैं ना। अरे कहा, दुलारे के पापा 10 दिन तक अनशन में थे, उनको तो नहीं पिलाया। अरे कभी कभी नहीं भी पिलाते हैं क्या है? अरे कुछ नहीं। तालियां, 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 तालियां। एलो खा लो। थोड़ा तो खा लो मुकुंदी दुल्हन। ना ही मौसी, जी ना ही कर रहा है। पहले तो 5-5 रोटियां कटाख लेते थे, अब तो 4 के ऊपर भूख ही नहीं लगती। हाय हाय, लेकिन उसके हिस्से का भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। किसके हिस्से की मौसी? ओ वो जो बाहर उस पर बैठ कर का कहते हैं वो कर रहा है। वो कौन कहाँ बैठ के का कर रहा है मौसी? एक तो चुकन देखिए पापा वो अनशन करे या तुम टेंशन कर रही हो। हाँ वही मुकुंदी, मुकुंदी के हिस्से का खाना भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा बेटा। अच्छा हाँ खाए ना। खाओ। मुकुंदे बाबू अमर रहे, अमर रहे। जोर से बोलो अमर रहे, अमर रहे। मुकुंदे बाबू फिर से बोलो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुकुंदे बाबू अमर रहे, अमर रहे। है जी। ओ जी अब आई हो, पति से मिलने की फुर्सत नहीं थी का? का करे जी, सुबह से काम में लगे थे। ये चुको है ना, बोल रहा था अम्मा आज कचौरी खाएंगे। कचौरी? हाँ आलू भर के बनाते हैं ना, वही तुम्हारी पसंद वाली। सोचा कचौरी बना ही रहे तो साथ में खीर भी बना लेंगे। खीर? हाँ गरी वाली, तुम्हें जबरदस्त पसंद है ना। अब सोचा खीर बना ही रहे तो साथ में गुलगुले और गुजिया भी तल लेते हैं, इसलिए देर हो गई जी। तुम्हारा कहाँ हाल है? भूख वूख तो नहीं लगी? हाँ। लगी है, कचौरी खाएंगे। हाँ। अरे वाह, क्या बनाती हो मुकुंदी बहू, कमाल है। लो मुकुंदी बाबू बहुत महान काम कर रहे हैं। क्या क्या कर जाओ बेटा, कर जाओ। चल दबा लो। जय माता दी। फिर दबा लो। अमरे अमरे मुकुंदी बाबू, अमरे अमरे मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। जोर से बोलो मुकुंदी बाबू, मुकुंदी बाबू। जोर से बोलो। अजय क्या खा रहे हो कछुआ चाचा? केला खा रहे हैं। खाने में आजकल कैसा लगता है? लगता तो मीठा है। अरे नेताजी कब आएंगे? पानी दो, पानी। चलाए जी, चलो पानी पी लो। ये क्या कर रही हो? पत्नी का धर्म होता है कि पति को ऊपर उठाए, तुम पति को नीचे गिरा रही हो। अगर ये मिलावट दूर हो गई तो मुकुंदी बाबू कहाँ पहुँचेंगे? इतनी ऊंचाई पे पहुँच जाएंगे, इतना ऊपर उठ जाएंगे। मिलावट दूर हो ना हो, ये जरूर ऊपर पहुँच जाएंगे। हालत तो देखो सूखे छुआरे जैसी। हाँ? अरे शक्ल तो देखो लंगड़े आम की सूखी गुटली जैसी, जैसे भुना हुआ पापड़। अब टूटा कि तब टूटा। अरे तुम किसी और चीज का नाम नहीं ले सकती क्या? हाँ? ये खाने पीने की चीजों का नाम लेना जरूरी है का? पानी, पानी,
आहा मुकुंदी बाबू, पानी पिला के हम आपके मेहनत पे पानी नहीं फेर सकते। मुकुंदी बाबू अमर रहे, अमर रहे। मुकुंदी बाबू अमर रहे, अमर रहे। ये नेताजी जूस पिलाने आएंगे ना? अरे इससे तो ये अच्छा था कि बाजार से खरीद के ये जूस पी लेते। अरे 5 रुपए के जूस के चक्कर में इनका जूस निकल गया कछुआ चाचा। अरे अरे डॉक्टर बुलाओ डॉक्टर। अरे देख संभाल के भाई, आराम से आराम से। अरे कहाँ ले कहाँ जा रहे भैया हमें? हाँ अरे हाँ कुछ दिखा। क्या हुआ? हालत गंभीर है, जल्दी जूस नहीं पिलाया तो गंगा जल पिलाना पड़ेगा। किसकी बात कर रहे हैं जे? अरे नहीं नहीं मुकुंदी बाबू सब ठीक। आइए डॉक्टर साहब आइए ना, आइए। वो गुड्डू जो है ना वो पैसा उससे भिजवा देंगे, है ना? पड़ा पड़ा कितने दिख रहा है चार? यार डॉक्टर ने पता नहीं कैसी दवाई दी है, खाते ही सोने लगते हैं, नींद आ जाती है। बिजी पांडा बिजी पांडा प्यार में दिल भैया 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 क्या कर रहे हो गुड्डू, क्या कर रहे हो यार? भैया आप महान हो महान, कभी आप लाइफ में मर गए ना तो आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे सर में चोट लगी है फिर भी भौंक रहे हो। यार गुड्डू देखो हम लबर हैं यार, और लबर जो है ना वो हेड से नहीं हार्ट से भौंकते हैं। अब भौंकने दो। सुसाइड करने की कोशिश नहीं, हम तो ऐसे ही बस। सुरीली चुप, तुम तो ब्लडी नॉनसेंस हो। अरे भाई हम कह तो रहे हैं कि हमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। क्यों झूठ बोल रहा है भैया, क्यों झूठ बोल रहा है? यार गुड्डू गिल्टी फील कर जाएगी यार, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? घबराओ मत सुरीली, तुम छू छू सकती हो, छू छू आराम से, लेकिन है कसम से अगर हमको मालूम होता कि तुम इतना अच्छा इलाज करती हो तो डॉक्टर पास जाते ही नहीं। मुझे अपना हाथ दो। सुरीली देखो हम कह तो रहे हैं तुमसे कि हमने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की है, तुम गिल्टी मत फील करो। हम जानते थे तुम एक नंबर के झूठे हो। अरे प्यार में जान देने वाला ऐसा होता है क्या? प्यार में जान तो तुम्हारे बाबूजी ने देने की कोशिश की थी। हमको तो लगता है कि आपसे दुखी हो के सुसाइड करने की कोशिश की होगी, इसलिए मुंबई भाग गए। चुप कर, सच्चा प्यार तू क्या जाने? मौसी हम सच्चा प्यार करते हैं। है? लापतागंज में कुछ अशुद्ध हो तो वो है तुम और तुम्हारा प्यार, समझे? भाग। बिजी पांडे, चल अंदर चल। मौसी हम साबित करके रहेंगे कि हमारा प्यार अशुद्ध नहीं, अशुद्ध है, सुन रही है कि नहीं? आप अशुद्ध बना दिया। अबे खींचोगे कि नहीं खींचोगे? बिजी पांडे बिजी पांडे। अरे मुकंदी भैया चाचा। हाँ। कोई मर गया है क्या? नहीं मरने वाला है। कौन? गांव के बड़े बुजुर्ग तो आप हैं,
फिर मरने वाला कौन है? वो तुम। अच्छा आदमी था नहीं? हाँ, गाय था गाय। एक दो बार तो मेरा इससे झगड़ा भी हुआ, मैंने उठा के पटक भी दिया, लेकिन इसने पलट के अभी हाथ नहीं उठाया। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अरे तुमको क्या लगता है बचेगा? मुश्किल लगता है, पर तुम इतना टेंशन में क्यों? का बताएं यार, 200 रुपया उधार लिया है, आज तक नहीं लौटाया है। आओ अभी दिलवा देते हैं। अरे जल्दी कहाँ बैठ के तुम करो। मुकंदीलाल यार, 200 रुपये लिए थे, अब तो लौटा दो। क्या कर रहे हो? एक आदमी लापता गंज के लिए अपनी जान दे रहा है और तुम 200 रुपये मांग रहे हो? शर्म नहीं आती? हमसे ले लेना। ए ए चाचा, तुम तो चुपा ही रहो, 500 रुपये लिए हो, आज तक तो न लौटाए हो। कभी कभी कुछ लोग नहीं भी लौटा पाते। अरे ऐसे बहस करना बेकार है, चल 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 चल, बाद में लेंगे। चल ठीक से काम करो, साफ करो उसको। अब कैसे हैं मुकुंदी बाबू? अब जल्दी ही नेताजी आ जाएंगे। देखिए ना, आपके आमरण अनशन का खबर अखबारों में छप गया है। नेताजी जल्दी आके जूस पिला देंगे आपको। हाँ। अरे घबरा का, अरे चिंता मत कीजिए, अरे कुछ नहीं होगा। उम्र ही कहा है आपकी? 38 के हैं। हम 65 के हैं। घुटना काम नहीं कर रहा है, कमर काम नहीं कर रहा है, घर का छत टपक रहा है, हिम्मत नहीं है कि बनवाए। तो हम सोच रहे थे कि अब ऐसे में तो सोचना ही चाहिए ना कि आपके घर के पीछे वाले कमरे में अगर हम रह लेते तो। वहां तो हम रहते हैं। हाँ वही तो कह रहे थे कि सोचने की बात है ना कि अगर किस्मत कपटी निकली और नेताजी नहीं आए तो इंदु को कौन संभालेगा, कौन देखेगा? तो आप निश्चिंत रहिए, हम बाप की तरह रहेंगे आपके घर में। बाप लग रहे हैं ना? बाप नहीं, तुम सांप लग रहे हो। सांप है? शर्म नहीं आती? हमारे मरने की सोचते हो? पानी पानी। अरे थोड़ा इंतजार कीजिए ना भाई, कुछ नहीं होगा आपको, अभी आ जाएंगे। नेता जी आओ ना। अरे अरे नेताजी आ गए, अरे नेताजी आ गए, नेताजी नेताजी। ओहो, ए इंदु मती खजी, इंदु नमस्ते नमस्ते नेताजी। मुकुंदी बाबू अमर रहे, मुकुंदी बाबू अमर रहे, मुकुंदी बाबू अमर रहे, मुकुंदी बाबू अमर रहे। अरे भाइयों और बहनों, आप लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे मुकुंदी लाल कौन है? जी हमें ही मुकुंदी लाल है जी, जूस किसी और को मत दीजिएगा। अरे भाई मुकुंदी लाल, हम तुम्हारा अनशन तुड़वाने आए हैं। तो तुड़वाइए ना, जल्दी से जूस पिलाइए ना। भाई मुकुंदी लाल, तुम्हारे अनशन के आगे हम झुक गए हैं। अरे हम क्या, पूरा देश झुक गया है। अरे भाइयों, आज जहाँ पर कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती, वहाँ आज भी मुकुंदी लाल जैसे शुद्ध लोग रहते हैं। अब हम शुद्धता का कानून लाएंगे। हाँ, और लापता गंज में हर एक चीज शुद्ध मिलेगी। हाँ, जैसे कि शुद्ध समोसा, शुद्ध घी, शुद्ध दूध और शुद्ध मिठाई, और हाँ और ये शुद्ध जूस। और अब कोई भी यहाँ पे अशुद्धता से नहीं मरेगा। जयपाल मरेगा। बिजी पांडे, बिजी पांडे, आज एक सच्चा
शुद्ध आशिक मरेगा। अबे गुड्डू ठेला चला। बीजी 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 पांडे। इसको कहाँ हो गया? एओ एओ। आयो आयो अब जायो। लापता गंज वालों, जहाँ पे लापता गंज में सब कुछ लापता है, वहाँ एक ही चीज का पता है, वो है लव। लापता गंज में सब कुछ अशुद्ध है, सिर्फ मेरा प्यार शुद्ध है। लेकिन लेकिन वो जो ओल्ड वुमन वहाँ पे मौसी खड़ी है ना, वो हमारे प्यार को अशुद्ध समझती है। इसीलिए हम ये जहर पी के सारी दुनिया को बता देंगे कि हमारा प्यार शुद्ध था। अबे गुड्डू पकड़, खोल रहे देखो। भैया ने जहर पीने का डिसाइड कर लिया है। हाँ पापा कसम बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद लापता गंज में प्यार खत्म हो जाएगा। फैलेगा तो क्या फैलेगा मालूम है? डेंगू फैलेगा, मलेरिया फैलेगा, हैजा होगा सबको, सब दमे के मरीज हो जाएंगे। अरे वो तो पहले से फैल रहा है। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए, हम सुरीली की वजह से जान दे रहे हैं और इसकी सिर्फ और ओनली जिम्मेदार है ये ओल्ड मौसी। क्या कर रहा है? पापा कसम बता रहे हैं, हमारे जाने के बाद आपके साथ क्या होगा मालूम है? आपको पुलिस अंदर धर लेगी, उसके बाद जेल में बैठ के ऐसे ऐसे घुमाते रहेगा, पूछते रहेगा वो क्या कहते हैं चक्की। हाँ कितनी देर समझी? अरे हमें बचा लो भैया। ये लड़का अच्छा है, तुम्हारी वजह से मर जाएगा। बीजी तो भाभी देखिए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मुकुंदी भैया की तरफ से हम शुद्धता का बलिदान दे रहे हैं। जब बात आई ओए पापा कसम सुरीली, तुम्हारी अभी ईटिंग और प्लेइंग की उम्र है यार, उसे रोको। है काहे रोके, एक नंबर का नौटंकी है, हैं चल। तो ये देखिए, अरे गंगा जल डालो मुंह में, ये तो चल बसा। अरे 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 अरे, देश का ये नौजवान जिसके हाथ में देश का भविष्य था, ये जहर खा के चल बसा। और आप लोग कह रहे थे कि खाने की चीजें शुद्ध नहीं मिलती, देखिए ना ये जहर शुद्ध था, इसीलिए ये नौजवान शहीद हो गया। और जाते जाते ये बता गया है कि शुद्धता की शुरुआत हो गई है। इसकी जिम्मेदारी है मौसी, है पुलिस को बुलाओ। अरे नहीं नहीं कछुआ, हमें बचा लो, बचा लो। ए बिजी बिजी, ओ बिजी, ए बिजी, बेटा उठ, मैं मान गई, मैं तेरा प्यार शुद्ध है, हैं? चलो ले भैया, चलो सच बोल रही। अरे मर कैसे सकता है, तुझे हर दोष है, इसमें मिलावट है। हाय क्या बात कर रहे हैं, हैं नकली है जी, बच गया, यानी अशुद्धता से लोग बच रहे हैं। अरे मिलावट, मिलावट की तो उसके सांसें चल रही हैं, मिलावट से कितने घर चल रहे हैं, अरे लाखों लोगों के रोजगार चल रहे हैं, जैसे कि घी में जो है चर्बी और दूध में जो है वो साबुन, और नकली दवाओं के तो यहाँ कुटीर उद्योग चल रहे हैं। मिलावट समाज में बैलेंस बना के रखती है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अशुद्धता मिटाने के बजाय शुद्धता को घटाएं और देश को बैलेंस में लाएं। जय हिंद। नेताजी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ए जी। ओ जी। जूस तो गया, अब थोड़ा पानी ही पी लो भाई, जरा पानी देना, थोड़ा अशुद्ध है। शुद्ध हो भी कैसे सकता है, क्योंकि अशुद्धता खाने पीने की चीजों में नहीं, सोच में है। और सोच तभी शुद्ध होगी जब सोचेंगे, इसलिए वादा कीजिए एक बार तो सोचेंगे।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.